नमस्कार। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। हम लोगों का एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम जो व्याख्यान हैं उन विभिन्न व्याख्यान को हम उसका इलेक्ट्रॉनिफिकेशन करके उनका ई कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं, और इसके लिए हमारे विभिन्न विषय विशेषज्ञ पूरे जो राज्य से हैं और राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक हैं उनको हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। उनके द्वारा ये व्याख्यान दिए जा रहे हैं, और इसका अभिप्राय यह है कि ये इस प्रदेश के कोने कोने में हम विद्यार्थियों के पास ले जा सकें, ताकि ये चाहे मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे उनके हैंडहेल्ड डिवाइसेस में हो, कंप्यूटर्स में हो, ये उसको देख भी सकें और इसके द्वारा विज्ञान के प्रति अभिरुचि जागृत हो सके। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। तो हमने अपने ग्रुप थ्योरी के लेक्चर्स में, जितने भी लेक्चर्स अभी तक हुए हैं, हमने ग्रुप्स के बारे में, ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टी, सब ग्रुप्स के बारे में, सेंटर ऑफ ए ग्रुप के बारे में, ग्रुप के ऑर्डर्स के बारे में और एलिमेंट्स के ऑर्डर के बारे में, और नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन, और नॉर्मल सब ग्रुप का मैंने आपको एक करेक्टराइजेशन थ्योरम दी थी। इसके अलावा मैंने आपको एक बहुत ही पिछले लेक्चर में एक बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम के बारे में बताया था, और मैंने बताया था कि ये माइलस्टोन है हमारे इस सीरीज का, लेक्चर की सीरीज का। उसको हमने कहा था लैग्रांजेस थ्योरम, जो फाइनाइट ग्रुप के लिए सही थी। यदि कोई फाइनाइट ग्रुप दिया हो, इसका मतलब उसका ऑर्डर कोई फाइनाइट नंबर है, और उसका यदि कोई सब ग्रुप है, निश्चित रूप से उसका ऑर्डर भी फाइनाइट होगा। तो सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, और हमने कल ये नोट किया था कि यदि मुझे आप कोई ग्रुप देते हैं जिसका ऑर्डर 20 है, तो इसके तो हर ऑर्डर के सबसेट हो सकते हैं। 20 ऑर्डर का सबसेट भी हो सकता है, 19 ऑर्डर का भी हो सकता है, 18 ऑर्डर का भी हो सकता है। और अब इन सारे सबसेट में ये छांटना कि कौन सब ग्रुप होंगे, ये वास्तव में एक कठिन कार्य है। लैग्रांजेस थ्योरम हमारी इस बात को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करती है। याद करिए, लैग्रांजेस थ्योरम कहती है यदि कोई सब ग्रुप है तो उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। इसका मतलब 20 को डिवाइड करने वाले नंबर ढूंढिए, केवल 20 से कम। वो 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 1, 2, 4, 5, 10। इसका मतलब यह हुआ कि मुझे केवल इन ऑर्डर वाले सबसेट पर कंसंट्रेट करना है, और लगाइए मैं कितना कम, मैंने सारे सबसेट की संख्या कितनी कम कर दी है, और इनमें भी इनमें कंसंट्रेट करना है। यही चांसेस हैं कि आपको सब ग्रुप मिलेंगे। ये जरूरी नहीं कि इस ऑर्डर के सब ग्रुप मिल ही जाएं, पर जो भी सब ग्रुप होगा वो इसी ऑर्डर का होगा। और ये ब्यूटी है लैग्रांजेस थ्योरम की। लैग्रांजेस थ्योरम का कन्वर्स सही नहीं है, हम बाद में देखेंगे, इसका कन्वर्स उल्टा सही नहीं है। यदि कोई नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब नहीं कि उस नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग हमको एक सब ग्रुप मिलेगा। ये तो लैग्रांजेस थ्योरम की बात थी, जिसके प्रूफ की मैं आज चर्चा करूंगा। पर उसके पहले, उसके बाद हमने एक नॉर्मल सब ग्रुप बनाया था, बड़ा इंटरेस्टिंग सब ग्रुप बनाया था। इंटरेस्टिंग सब ग्रुप हमने इस सेंस में बनाया था कि हमने थोड़ी सी कम्यूटेटिविटी की बात प्रिजर्व की थी। लेफ्ट और राइट कोसेट का जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था, तो हमने देखा था कि लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट दोनों सेम हो जाए, मतलब हर लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट हो, हर राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट हो, तो ऐसा सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होता है। और ये मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बिल्डिंग ब्लॉक भी होते हैं। तो हम वापस फिर से एक बार सेंटर ऑफ ग्रुप पर आए, सेंटर ऑफ ए ग्रुप। चिंता मत करिए, कई लोग सेंटर को CENTER लिखते हैं, कई बार CENTRE भी लिखते हैं, डिपेंड करता है आप कौन सी इंग्लिश, अमेरिकन और ब्रिटिश किस इंग्लिश को फॉलो कर रहे हैं। तो सेंटर ऑफ ए ग्रुप जी, जिसको आपने याद करिए कल लिखा था ZG से। कोई भी ग्रुप लिया, उसका सेंटर ऑफ ग्रुप की डेफिनेशन कल आपने दी थी। क्या डेफिनेशन दी थी आपने, याद करिए। इसमें वो सारे एलिमेंट होंगे, इसमें वो सारे एलिमेंट होंगे किसके, ग्रुप के, सच दैट, इसमें ग्रुप के वो सारे एलिमेंट होंगे सच दैट AB इक्वल टू BA
फॉर ऑल बी बिलोंगिंग टू ग्रुप, मतलब इसमें वो सारे एलिमेंट होंगे जो ग्रुप के सभी एलिमेंट के साथ में कम्यूट कर रहे हो। इसको हमने सेंटर कहा था। तो हमने कल ये बोला था कि सेंटर ग्रुप की डेफिनेशन है, इसका मतलब इसी डेफिनेशन से ये स्पष्ट हो गया कि सेंटर जो होता है वो किसी भी ग्रुप का सबसेट होता है। तो हम आज एक बात हम कोशिश करेंगे जानने की कि क्या ये सब ग्रुप भी होता है कि नहीं होता। तो हमारा एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मैंने आपके इन लेक्चर्स में आपको कुछ थ्योरम की जानकारी भी दी है, कुछ थ्योरम मैंने प्रूफ की है, कुछ आपके लिए छोड़ दी है। और बीच में मैं थ्योरम इसलिए प्रूफ कर रहा हूं कि आपको आइडिया दूं कि थ्योरम स्टेटमेंट क्या है, उस स्टेटमेंट को प्रूफ कैसे करते हैं। थ्योरम ये है, सेंटर ऑफ ए ग्रुप इज ए नॉर्मल सब ग्रुप का एग्जांपल है। बड़ा इंटरेस्टिंग, इज ए नॉर्मल सब ग्रुप तो है, साथ में नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। देखिए ये बात सत्य है कि नहीं, थ्योरम है तो इसका मतलब ये बात सत्य होनी चाहिए। तो मैं आपको फिर से एक प्रूफ लिख के दिखा रहा हूं हम कैसे प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये दिखाना है, किसी भी सेट को सबग्रुप दिखाने के पहले आपको दिखाना होता है कि वो नॉन एम्प्टी हो पहले। तो यदि वो एम्प्टी है तो बात करना ही व्यर्थ है। तो पहले मैं दिखाऊंगा कि जेड जी नॉन एम्प्टी है। वी सी दैट ई बी इक्वल टू बी ई फॉर ऑल बी बिलोंगिंग टू जी। आइडेंटिटी एलिमेंट तो हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है, इसका मतलब ये हुआ कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा किसका मेंबर होता है, सेंटर का मेंबर होता है। इसका मतलब ये सेट क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट। हमारी पहली जरूरत पूरी हो गई, हम जिस सेट को ग्रुप या नॉर्मल सब ग्रुप बनाना चाहते हैं वो सेट हमारा नॉन एम्प्टी हो गया। अब आगे आइए, अब मुझे सबसे पहले दिखाना है कि ये सब ग्रुप है। सब ग्रुप दिखाने के लिए मैंने क्या बोला था आपसे, याद करिए, सब ग्रुप दिखाने के लिए क्या क्या जरूरी होता है। आप सब ग्रुप दिखाने के लिए केवल दो चीज दिखा दीजिए। आपने देखिए आइडेंटिटी तो दिखाई दिया, देखिए ना कितनी इंटरेस्टिंग बात है, आपने आइडेंटिटी खुद दिखा दी है। जी में एसोसिएटिव होता है तो उसके सारे सबसेट एसोसिएटिव होते हैं, तो जेड जी जी का सबसेट है तो एसोसिएटिव भी होगा, दूसरी प्रॉपर्टी भी हो गई। केवल दो प्रॉपर्टी दिखाना बचा है और वो दो प्रॉपर्टी है, मैं यहां दिखाऊंगा क्लोजर की प्रॉपर्टी, इसी ग्रुप के ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये क्लोज होना चाहिए, और दूसरी प्रॉपर्टी दिखाऊंगा इसके हर एलिमेंट का इनवर्स भी होना चाहिए। तो कैसे करें क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए, नाउ वी शो दैट जेड जी इज क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन ऑफ जी। क्लोज दिखाने का मतलब मैं जेड जी में कोई दो एलिमेंट उठाऊं और उनका प्रोडक्ट भी जेड जी में होगा। सो ए एंड बी मेंबर ऑफ जेड जी है, मान लीजिए। इसका मतलब हुआ ए और बी जी के हर एलिमेंट के साथ में कंप्यूट करते हैं। इसका मतलब ए जी इक्वल टू जी ए एंड बी जी इक्वल टू जी बी फॉर ऑल जी मेंबर ऑफ जी के लिए। ए और बी यदि जी जेड सेंटर में है, इसका मतलब वो हर ग्रुप के हर एलिमेंट से कंप्यूट करते हैं। वेरी गुड। नाउ अब मुझे दिखाना है कि ए और बी यदि जेड जी में है तो मुझे दिखाना है कि ए भी जेड जी में होगा, बस क्लोजर हो जाएगा। तो ए भी जेड जी में कब होगा, ये देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाइए, क्योंकि आपको पता है जेड जी में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसके बाद में आपने अभी मुझे बताया, देखिए यहां देखिए, क्योंकि बी सेंटर का एलिमेंट है इसका मतलब बी जी बराबर जी बी होगा फॉर ऑल जी मेंबर ऑफ जी के लिए। तो क्या होगा,
वेरी गुड, आगे बढ़िए, बहुत अच्छा। अब बताइए फिर से एसटीडी प्रॉपर्टी लगाइए। फिर नोट करिए आपने क्या लिखा, देखिए एजी इक्वल टू होता है जीए, ये लिखिए। देखिए मैथमेटिक्स कितनी इंटरेस्टिंग तरीके से कर रहे हैं हम, जो चीज हमको पता है उसी का हम यूज कर रहे हैं प्रूफ करने में। और फिर से एसिडिटी प्रॉपर्टी लगाइए, देखिए कितनी बार हमने एसिडिटी प्रॉपर्टी का यूज किया है, नोट करिए। इसका मतलब एसिडिटी प्रॉपर्टी दिखने में तो आसान है पर बड़ी यूजफुल चीज है हमारे लिए। ये अब जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए जैसा अच्छी तरह से मैंने क्या कर दिया, देखिए ए बी जी बराबर होता है जी ए बी। देखो यहां ए बी इक्वल टू बी ए होता है फॉर ऑल बी मेंबर ऑफ जी के लिए, तो हमने दिखा दिया ए बी जी इक्वल टू क्या दिखा दिया हमने, हमने क्या दिखा दिया, वी हैव शोन, हमने क्या दिखा दिया, वी हैव शोन दैट, क्या दिखाया, ए बी जी बराबर होता है जी ए बी फॉर ऑल जी मेंबर ऑफ जी के लिए। हमारी डेफिनेशन कहती है कि ये ए बी बिलोंग करेगा किसको, जेड जी को। ए बिलोंग करता है जेड जी को, बी बिलोंग करता है जेड जी को, और मैंने दिखा दिया ए बी बिलोंग करता है जेड जी को। इसका मतलब ही होता है जेड जी इज क्लोज्ड। देखिए कितना आसान है प्रूफ करना, जेड जी में ई एलिमेंट आ गया था, जेड जी जी का सबसेट है इसका मतलब एसोसिएटिव होगा, जेड जी को क्लोजर प्रॉपर्टी दिखा दी। बस फाइनली मेरे पास एक चीज बची है कि मैं क्या दिखा दूं कि जेड जी क्या होता है, हर एलिमेंट का इनवर्स भी होता है। तो हम इस बात को यहां पर भी कर सकते हैं बिना इसको मिटाए हुए। अभी अब हम दिखाना चाहते हैं, क्या दिखा रहे हैं, नाउ वी शो दैट इफ ए इज मेंबर ऑफ जेड जी, यदि ए जेड जी में है तो उसका इनवर्स भी जेड जी में होगा। मैं फिर से आपको रिमाइंड कर दूं बार बार, इनवर्स का मतलब, ए इनवर्स का मतलब वन अपॉन ए नहीं होता, ए इनवर्स का मतलब होता है ए को यदि ए इनवर्स या ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ई मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, ये मतलब है इनवर्स का, याद रखिए। तो आप मुझे ए इनवर्स को जेड जी में दिखाना है, यदि ए इनवर्स को मुझे जेड जी में दिखाना है तो मुझे क्या करना है, सोचिए, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे ये करना है कि ए इनवर्स जी इक्वल टू जी ए इनवर्स हो जाए, बात खत्म, इतना काम हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा। कैसा लगा आपको, बस इतना काम करना है। अब आपने बोला ए जेड जी में है, सिंस ए बिलोंग टू जेड जी, ये इंप्लाई करेगा ए जेड जी में है, आइए डेफिनेशन पर वापस, ए जेड जी में है इसका मतलब क्या होता है, ए बी बराबर बी ए, याद रखिए मैं कभी कभी जी के सारे एलिमेंट के लिए बी लिख रहा हूं, कभी जी लिख रहा हूं, इस पर चिंता मत करिए, ध्यान रखिए हम कर क्या रहे हैं, इन सिंबल पर ध्यान, सिंबल हम यूज कर रहे हैं, ध्यान दीजिए अच्छी तरह से, इस पर मत टिके रहिए कि यहां आपने बी यूज कर लिया यहां जी यूज कर लिया, मैं ग्रुप के एलिमेंट्स का नाम कुछ भी यूज कर सकता हूं, तो चिंता करने का विषय नहीं है, याद रखिए इस चीजों को, याद रखिए हम फॉर ऑल जी कह रहे हैं, जी के हर एलिमेंट के लिए बात सत्य होनी चाहिए, तो उस एलिमेंट का नाम मैंने कभी जी लिखता हूं, कभी ए लिखता हूं, आप नाम लेते रहिए, कई लोग बुक में क्या होता है कॉन्सिस्टेंसी होती है, कभी एक्स वाई ए बी ऐसे ही नाम लेते हैं। सो ए बी इक्वल टू बी ए होता है फॉर ऑल बी मेंबर ऑफ जी के लिए, ये डेफिनेशन है, पर मुझे तो चाहिए ए इनवर्स बी इक्वल टू बी ए इनवर्स। ट्रिक देखिए हल्की सी, यही चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं, ट्रिक कहां से आती है, हमने कैंसिलेशन प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी, हमें यही ट्रिक सीखनी है प्रूफ लिखना। प्रूफ क्या होता है, प्रूफ लॉजिकल स्टेप है, लॉजिकल स्टेप कहां से आएंगी कैसे बनेंगी, वो आपकी दी हुई चीजों से ही बनेंगी। क्या करिए ध्यान से देखिए, मुझे यहां ए इनवर्स चाहिए और यहां ए इनवर्स चाहिए, और ये मैं कर सकता हूं कैसे, इस इक्वेशन को मैं दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, देखिएगा ध्यान से, दोनों तरफ लेफ्ट साइड को भी और राइट साइड को भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। आपको पता है एलजेब्रा में किसी भी इक्वेशन को सेम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने पर
कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वेशन में, ठीक वैसे जैसे नंबर में होता है, जैसे बीजगणित में आप करते थे। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दीजिए, अलग कर दीजिए इसको, या ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, और साथ में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाइए, इसको अलग कर दीजिए। अब जरा ऊपर देखिए, नजर घुमाइए ऊपर, तो इसको आपको असुविधा ना हो तो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं। ऊपर नजरें घुमाइए, आपने क्या लिखा है, आइडेंटिटी आएगा, ए इनवर्स बी ई आएगा, और आपको पता है आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करिए आपको वही एलिमेंट मिलेगा, ए इनवर्स बी। इसका मतलब हो गया ए इनवर्स मेंबर है किसका, जेड जी का। देखिए जैसा कमाल से मैंने आपको कितनी अच्छी बात बता दी आज। तो मैंने फाइनली क्या दिखा दिया, मैंने क्या दिखा दिया, 10 जेड जी इज ए सब ग्रुप। जेड जी क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया। कैसा लगा आपको प्रूफ? बिल्कुल कहीं प्रूफ पे कोई नई बात नहीं की मैंने। आप जिसको ट्रिक कहते हैं वो हमारे पास नोन चीजें हैं, हम इक्वेशन को किसी भी चीज से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हमारा काम बचा हुआ है, फाइनली वी हैव टू शो, हमें क्या दिखाना है, फाइनली हमें दिखाना है कि ये सब ग्रुप तो हो गया पर ये नॉर्मल सब ग्रुप है कि नहीं। तो सेंटर ऑफ ए ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप ये दिखा देते हैं तो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मिल जाएगा हमें एक्चुअली नॉर्मल सब ग्रुप का। तो नॉर्मल सब ग्रुप दिखाने के लिए याद करिए, फिर से वापस आता हूं, ए सब ग्रुप एन ऑफ ए ग्रुप जी इज कॉल्ड नॉर्मल इफ, कब कहते हैं उसको नॉर्मल सब ग्रुप, इफ जी एन जी इनवर्स बिलोंग्स टू एन फॉर ऑल जी बिलोंगिंग टू जी एंड फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू एन। ये हमारी कल की डेफिनेशन थी, स्टैंडर्ड डेफिनेशन हमने यूज की थी, हर जी मेंबर ऑफ जी के लिए और हर एन मेंबर ऑफ एन के लिए ये ऑब्जेक्ट एन को बिलोंग करना चाहिए। अब मुझे इस एन की जगह मुझे जेड जी को दिखाना है नॉर्मल, तो क्या करना है, वी ऑब्जर्व दैट फॉर जी मेंबर ऑफ जी एंड ए मेंबर ऑफ जेड जी, जी ए G inverse, yes, associative property लगाई थी, ये हो गया GA, G inverse, एक किसका member है, center का member है, इसका मतलब ये group के हर element के साथ क्या करता है, commute करता है, इसका मतलब GA को लिख सकते हैं AG, और ये हो गया G inverse। अब फिर associative property लगाइए, ए जी जी इनवर्स ए इक्वल टू ए, और ए किसका मेंबर था, जेड जी का, इसका मतलब आपने दिखा दिया जी ए जी इनवर्स मेंबर किसका हो गया, जेड जी का, इसका मतलब हो गया जेड जी ये हर जी और हर ए के लिए सही है, दिस इज ट्रू फॉर एवरी जी मेंबर ऑफ जी एंड एवरी ऑल ए मेंबर ऑफ जेड जी, हमने तो किसी भी जी और किसी भी ए के लिए किया था, तो इसका मतलब जेड जी इज नॉर्मल सब ग्रुप, जेड जी नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। तो मैंने क्या दिखा दिया आपको, सेंटर ऑफ ए ग्रुप इज नॉट मेयरली सब ग्रुप, किसी ग्रुप का सेंटर केवल सब ग्रुप नहीं होता,
ये नॉर्मल सब ग्रुप होता है। इसका मतलब आप मुझे कोई भी ग्रुप दीजिए, इसका मतलब अबेलियन, हर अबेलियन ग्रुप, आपको मैंने कल बताया था यदि कोई ग्रुप कम्यूटेटिव या अबेलियन है तो उसका सेंटर पूरा ग्रुप होता है और वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। इंटरेस्टिंग तब होता है जब आप नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप की बात करें। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा, उसका भी समय आएगा और मैंने आपको काम भी दिया हुआ है नॉर्मल सब ग्रुप चाटने का। तीन ऑर्डर का मैंने सब ग्रुप ढूंढने को बोला था, किसमें, S3 में, वही हम आपको चार्ट में दिखाएंगे समय आने का। पर पहले यहां देखिए, आपने एक बात और नोट की होगी, वो कौन सी बात नोट की आपने, याद करिए, आपने एक बात और नोट की होगी, सेंटर ऑफ ए ग्रुप अबेलियन होता है। नोट दैट सेंटर ऑफ ए ग्रुप इज एन अबेलियन सब ग्रुप होता है। इसका मतलब क्या कहना चाहिए मुझे भाई, मुझे क्या दिखाना है, मुझे दिखाना है कि वो कम्यूट करते हैं। तो देखिए, ए और बी कोई दो मेंबर हैं जेड जी के, देन क्लियरली ट्रिवियल है, बिल्कुल ट्रिवियल, क्लियरली ए और बी जेड जी में है तो इसका मतलब बी ऑटोमेटिकली क्या हो गया, क्लियरली ए मेंबर है जेड जी का, और बी यदि जेड जी में है तो वो जी में ऑलरेडी है तो बीजेजी में तो है। और आपको पता है ए जेड जी में है, बी जी में है, तो ए बी बराबर क्या होगा, बी ए, ये ट्रिवियल। तो आपने सेंटर ऑफ ए ग्रुप में सारी अच्छी बातें हैं सब ग्रुप की, ये सब ग्रुप भी है, ये अबेलियन भी है, ये नॉर्मल सब ग्रुप भी है, तो ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है नॉर्मल सब ग्रुप का। अब हम आते हैं जो मैं आपको आज सिखाना चाह रहा था, ये मैंने आपको एक प्रूफ सिखाया, बड़ा अच्छा सा, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है। ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है किसका, नॉर्मल सब ग्रुप का। आपको कोई भी मैं नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप दूं, कोई भी ग्रुप दूं, उसका सेंटर ढूंढिए और वो नॉर्मल सब ग्रुप का एग्जाम्पल हो जाएगा। हमने कल आपको लैग्रांजिस थ्योरम बताई थी। लैग्रांजिस थ्योरम का प्रूफ देने के पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा, मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, कोई ग्रुप है उसका कोई सब ग्रुप है, सो लेट जी बी ए ग्रुप एंड एच बी सब ग्रुप ऑफ जी। तो हमने क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बोला था कि हमें मल्टीप्लिकेटिव नोटेशन यूज करूंगा बार बार, राइट right? तो इस पर चिंता करने की बात नहीं, कल मैंने स्पष्ट किया था अपने पिछले लेक्चर में आपको, बी ए सब ग्रुप ऑफ जी। तो मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे, ए एच इक्वल टू एच हो जाता है इफ एंड ओनली इफ, लेफ्ट क्वेश्चन एच हो जाता है इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू एच, और राइट के लिए भी बात सही है, एच ए इक्वल टू एच हो जाता है इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू एच। यदि एलिमेंट जी का एलिमेंट एच को बिलोंग कर जाए तो लेफ्ट कोसेट एच के बराबर हो जाएगा, सब ग्रुप के बराबर हो जाएगा, वही बात राइट कोसेट के बारे में ही होगी। पर हम कुछ और इंटरेस्टिंग बात देखना चाहते हैं, मैं आपको दो लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट दूं तो उनमें क्या खासियत होती है। इफ EH and BH are, ये बात राइट के लिए भी सही है, याद रखिएगा, जो मैं लेफ्ट के लिख रहा हूं राइट के लिए भी सही है, और कम्यूटेटिव ग्रुप में लेफ्ट और राइट में कोई फर्क नहीं होता, आर टू लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H इन G, देन आइदर they will be disjoint as a set, एक सेट की तरह वो disjoint होंगे, और identical, दो left coset या दो right coset या तो disjoint होते हैं या identical होते हैं। ऐसा नहीं होता कि
दो लेफ्ट को सेट के कुछ एलिमेंट इसमें हो और कुछ एलिमेंट इसमें हो, या तो बिल्कुल अलग अलग होंगे। बिल्कुल अलग होंगे मतलब जब मैं डिसजॉइंट कहता हूं इसका मतलब क्या है, एएच इंटरसेक्शन बीएच एम्प्टी होगा, या फिर आइडेंटिकल का मतलब होता है एएच बीएच के बराबर होगा, आइडेंटिकल होंगे, दो के अलावा कोई पॉसिबिलिटी पॉसिबल नहीं है। पहली बात, ये पहली बात नोट करने लायक है। दूसरी बात एक और नोट करने लायक है, इंटरेस्टिंग बात, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एएच इज सेम एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच। बिल्कुल सही, ये दो बातें यदि मुझे पता हो तो मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बता सकता हूं, एक बहुत अच्छी सी बात बता सकता हूं, वो ये है। पहली बात की मैं बात करूं, पहले जरा सा पहले को देखें वहां से ये बात मेरी क्या सही है कि गलत है, क्या है एच इंटरसेक्शन बी एच में। सपोज आप देखिए मेरे लेक्चर में, अब मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी कहते हैं इसको, एब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है, याद रखिए आपको प्रूफ का कॉन्सेप्ट समझना है। सपोज एच इंटरसेक्शन बी एच इज नॉन एम्प्टी, मान लीजिए एम्प्टी नहीं है, मान लीजिए आपने दो मुझे लेफ्ट को सेट दिए हैं, इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है, लेट एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब कोई एक एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है, लेट एक्स बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन बी एच, इसका मतलब एक्स एच में भी है एंड एक्स बी एच में भी है। इसका मतलब एक्स किस रूप में है, इसका मतलब एक्स इक्वल टू ए एच वन है फॉर एंड एक्स इक्वल टू बी एच टू है, जरूरी नहीं कि यहां पर भी एच वन हो, ये कुछ और हो सकता है, मुझे पता नहीं क्या है, और जो भी एक्स इस फॉर्म में होगा फॉर सम एच वन एच टू बिलोंगिंग टू एच। बहुत अच्छा, इसका मतलब तो आपने मुझे ये बोल दिया ए एच वन बराबर हो गया बी एच टू, इसका मतलब आपने क्या बोल दिया भाई मुझसे, मैं दोनों तरफ पहले दो यहां ए मैं क्या करूं, इधर बी इनवर्स ए एच वन, एच वन इनवर्स बी इनवर्स बी एच टू, एच वन इनवर्स ये हो गया बी इनवर्स ए एच वन इनवर्स, और ये हो गया बी इनवर्स बी एच टू एच वन इनवर्स। तो मेरे पास क्या आ गया, ये तो ई हो गया, इसका मतलब बी इनवर्स ए इक्वल टू आ गया मेरे पास में, ये बी इनवर्स बी भी ई हो गया, मेरे पास आ गया एच टू एच वन इनवर्स। H2 भी H का मेंबर है, H1 इनवर्स भी H का मेंबर है, इसका मतलब ये H का मेंबर हो गया, इसका मतलब तो ये हो गया भाई B इनवर्स A मेंबर हो गया H का, इसका मतलब तो ये है भाई A मेंबर हो गया BH का। A मेंबर हो गया किसका, ये A मेंबर हो गया BH का, ए तो ए एच का मेंबर था और ए बी एच का मेंबर हो गया, दस ए तो मेंबर ऑलरेडी था ए एच का, आपने दिखा दिया कि ए मेंबर है बी एच का, इससे ये पता चला कि ए एच सबसेट हो गया किसका, बी एच का। सिमिलरली आप दिखा सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आप दिखा सकते हैं, करिए प्रयास, मैंने यहां बी इनवर्स से मल्टीप्लाई किया था, यहां एच वन इनवर्स से, अब क्या करिए इधर ए वन इनवर्स से ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करिए और इधर एच टू इनवर्स से करिए, घबराइए मत, सब चीज इजी है। डेफिनेटली आप दिखा सकते हैं बी एच सबसेट होगा ई एच का, इसका मतलब आप दिखा देंगे कि ए एच बराबर क्या होगा बी एच। देखिए मैंने दिखा दिया आपको, क्या दिखा दिया, दो लेफ्ट को सेट या तो डिसजॉइंट होंगे और यदि डिसजॉइंट नहीं है तो इक्वल होंगे,
दूसरी बात भी मैं वेरीफाई कर दूं, मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं निरंजन थ्योरम का प्रूफ आ गया। कैसे प्रूफ आ जाएगा? दोनों चीजों को यूज करके आप आराम से लैग्रैंजियन थ्योरम का प्रूफ लिख सकते हैं। मैं आपको हल्का सा हिंट दूंगा केवल, पर यही दो चीजें मेन है। दूसरा पार्ट क्या था बोलिए? एएच में नंबर ऑफ एलिमेंट वही होंगे जो एच में होंगे। मैं अभी फाइनाइट ग्रुप की बात कर रहा हूं, तो यदि सेट फाइनाइट है तो याद रखिए क्या, एएच में उतने ही एलिमेंट होंगे जितने एच में होंगे। मैं ये कहने जा रहा हूं एच में उतने ही एलिमेंट होंगे जितने एच में होंगे। एच में एलिमेंट क्या होते हैं याद करो, ये है। आप इस एच के कोई भी दो एलिमेंट उठाओ लीजिए, एच वन और एच टू, दो एलिमेंट उठाए। यदि इस एच के कोई भी दो एलिमेंट उठाएंगे जहां पर एच वन इज नॉट इक्वल टू एच टू, तो आप पाएंगे कि AH1 is not equal to AH2। इसका मतलब H में जितने एलिमेंट हैं उतने ही AH में भी होंगे। कैसे? या ध्यान से देखिए, सपोज करो H1 not equal to H2 तो है पर AH1 AH2 हो गया। सपोज AH1 AH2 हो जाए जबकि H1 not equal to H2 है, भाई दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप देख रहे हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी का मैं कितना जबरदस्त यूज कर रहा हूं। दिखने में बहुत छोटी प्रॉपर्टी थी पर कमाल की प्रॉपर्टी हमारे लिए। A इनवर्स A H1, A इनवर्स A H2 आ गया H1 इक्वल टू H2। कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन किसका? आपने तो बोला था H1 नॉट इक्वल टू H2 है, आ गया H1 इक्वल टू H2। इसका मतलब आपने कुछ गलत माना है, ये गलत माना है। इसका मतलब जब H1 बराबर H2 नहीं होगा, H1 H2 के बराबर नहीं होगा, तो AH1 भी AH2 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया जितने एलिमेंट AH में होंगे उतने ही एलिमेंट H में भी होंगे, राइट? अब हमारा प्रूफ आ गया किसका? अब हमारा लैग्रैंजियन थ्योरम का प्रूफ, जो सबसे मेन बिल फंडामेंटल थ्योरम है, बिल्कुल माइलस्टोन है। आप उस इस मेजर थ्योरम का प्रूफ लिखना जान गए अब। कैसे? क्या दिखाना था आपको? G is a finite group of order n and H is a subgroup of G of order m, then m divides n। कहने का मतलब है order of H divides order of G। प्रूफ के लिए मेरा हिंट ये है, प्रूफ के लिए हिंट इस तरह से है। किस तरह से प्रूफ के लिए हिंट? H को आपने क्या कहा है? कितना ऑर्डर है H का? M। H का ऑर्डर यदि M है तो H में कितने एलिमेंट होंगे? M एलिमेंट होंगे। ये लीजिए, लिख दिया मैंने H के सारे एलिमेंट, राइट? अब एक काम करिए, एक एलिमेंट उठाइए G से। नाउ पिक एन एलिमेंट, यहां मैंने पहले एक ये लिख दिया सेट, जी फ्रॉम जी, और आप लिखिए लेफ्ट को सेट। ये राइट के लिए भी कर सकते हैं, याद करिए आप यही काम राइट के लिए भी कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया था ये लेफ्ट कोसेट ये वाला है और ये लेफ्ट कोसेट ये वाला है। मैंने आपको अभी बताया था ये दो लेफ्ट कोसेट या तो आइडेंटिकल होते हैं या डिसजॉइंट होते हैं। यदि इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन हो गया तो ये आइडेंटिकल हो जाएंगे, तो मैं इस लो को काउंट नहीं करूंगा, और यदि ये डिसजॉइंट है तो मैं काउंट करूंगा। फिर मैं एक अगला एलिमेंट उठाऊंगा जी से,
जीवन और फिर जीवन एच बनाऊंगा। फिर से मैं देखूंगा ये दो को लेफ्ट को सेट, मैं कोई भी एलिमेंट यदि कॉमन होगा तो ये बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब ये पूरे एलिमेंट एक बार आ चुके हैं तो इसको नहीं लूंगा, फिर इसको इसके साथ भी चेक करूंगा तो या तो ये इसके बराबर होगा या इसके बराबर होगा या दोनों से डिसजॉइंट होगा, ये दोनों से डिसजॉइंट तो मैं चेक कर लूंगा, फिर से रख लूंगा रो में। इसी तरह से मैं रो बनाती जाऊंगा। आपको पता है आपका ग्रुप फाइनाइट है, एक स्टेप के बाद में ये प्रोसेस खत्म हो जाएगी। मान लीजिए kth स्टेप के बाद प्रोसेस खत्म हो गई, खत्म होगी क्यों, क्योंकि जी के एलिमेंट सब एडजस्ट हो जाएंगे। kth स्टेप के बाद में ये प्रोसेस यदि खत्म हो गई तो आपको मिलेगा जी के एच वन। ये पहली स्टेप मान लें इसको, तो इसको हम कह सकते हैं जी के माइ, नाम दे दीजिए कुछ भी, जी टी एच वन, जी टी एच टू, जी टी एच। अब ये प्रोसेस खत्म हो गया, मेरे पास जी बचे ही नहीं। और ध्यान से देखिए मैंने इस प्रोसेस में क्या किया है, कोई भी दो रो में एलिमेंट सेम नहीं है, किसी भी दो रो में एलिमेंट सेम नहीं है, किसी भी दो रो में सारी रो डिस्टिंक्ट हैं। यदि इन एलिमेंट को इकट्ठा करूं तो ये पूरे के पूरे एलिमेंट बन जाएंगे, किसके, इन पूरे एलिमेंट को यदि मैं इकट्ठा करूं तो ये पूरे एलिमेंट बनेंगे, यदि इनको इकट्ठा करूं तो पूरे एलिमेंट जी के बन जाएंगे। मतलब इनकी संख्या कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ जी के बराबर होगी। मैंने अभी बताया था हर लेफ्ट को सेट में उतने ही एलिमेंट होते हैं जिसमें एच में होते हैं, तो इसका ऑर्डर भी एच है, इसका ऑर्डर भी एच है और इसका ऑर्डर भी एच है। इसका मतलब कितनी बार किया था आपने, के स्टेप किया है, इसका मतलब टोटल कितने ऑर्डर हो गए, के ऑर्डर एच। इसका मतलब हो गया देखिए ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू के ऑर्डर एच, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी को ऑर्डर ऑफ एच से डिवाइड कर दिया है, कितने बार, के बार। इसी का मतलब हो गया एन एम से डिवाइड होता है, कितने बार, के बार। इसका मतलब एम एन को क्या करता है, दीजिए लैग्रांजियस थ्योरम का बहुत बेहतरीन प्रूफ हमने चुन लिया है ना। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हमने आपको अब लैग्रांजियस थ्योरम का मैंने आपको प्रूफ बता दिया, मैंने सेंटर ऑफ ग्रुप को एक्सप्लेन कर दिया अच्छी तरह से। अब मैं आपको इस लेक्चर के अंतिम चरण में मैं आपसे बात करना चाहता हूं होमोमॉर्फिज्म की। अब अभी हमने देखा था, याद करो जब आपने सेट थ्योरी पढ़ी थी, सेट थ्योरी में आपको जब दो सेट दिए थे उन सेट के बीच में आपने एक रिलेशन स्थापित करने की भी कोशिश की थी, या ये कहिए एक सेट से दूसरे सेट में आपने फंक्शन बनाने की कोशिश की थी, कैसे हम एक सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट से रिलेट करें। और ग्रुप्स क्या होते हैं, ग्रुप्स बेसिकली सेट होते हैं। एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में क्या हम फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, कौन से ऐसे फंक्शन होंगे जो इंटरेस्टिंग होंगे, जो हमें नई इंफॉर्मेशन देंगे, तो वो फंक्शन कौन से होंगे ये हमको देखना है होमोमॉर्फिज्म में। सो हम ऐसे फंक्शंस को, ऐसी मैपिंग्स को होमोमॉर्फिज्म कहेंगे। ये बड़ा क्रूशियल पॉइंट है। अब मैं बताता हूं किसी दो ग्रुप के बीच में कैसी मैपिंग को आप होमोमॉर्फिज्म कहेंगे, ये हमारा मेन मुद्दा है, कैसी मैपिंग को आप होमोमॉर्फिज्म कहना चाहेंगे। तो चलिए मैं इसमें हम लेते हैं, हम पहले डेफिनेशन से शुरू करते हैं और इस डेफिनेशन को देखकर हम एक एग्जांपल बनाने की कोशिश करते हैं। अभी तक हमने पहले एग्जांपल दिया और फिर डेफिनेशन बनाई, अब हम थोड़ा सा मैच्योर हो रहे हैं, हमने काफी कुछ लर्न कर लिया है, हमने एसोसिएटेड बुक्स भी पढ़ ली हैं, तो अब हमको आदत बननी चाहिए कि हम डेफिनेशन फ्रेम करें और देखें कि इस डेफिनेशन को फ्रेम करने के बाद में हमें कौन सा एग्जांपल्स मिलते हैं। सो इफ जी एंड, याद रखिए दोनों की ऑपरेशन अलग भी हो सकती हैं, तो मैं आपको एक जनरल डेफिनेशन दे रहा हूं, पहले घबराइएगा नहीं, पहले मैं उचित डेफिनेशन लिख रहा हूं, उसके बाद में आप जब मेच्योर हो जाएंगे तो आप ऑपरेशन पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। तो लेट जी स्टार एंड
जी प्राइम लिटिल ओ, यहां ऑपरेशन का साइन है स्टार, यहां ऑपरेशन का साइन है लिटिल ओ, तो ये दो बाइनरी ऑपरेशन है बी टू ग्रुप्स. ए मैपिंग, क्या आप लोगों को बताया है फंक्शन और मैपिंग ये नाम से क्या समझते हैं आप? ये फंक्शन, मैपिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, इतने ऑपरेटर, ये कई नाम है मैपिंग्स के. फंक्शन जो है, फंक्शन, ये जो फंक्शन जब हम यूज करते हैं वो एलजेब्रा, एलजेब्राइक नोटेशन है. मैपिंग जब कहता हूं तो उसमें ज्योमेट्रिकल कोनोटेशन होता है, ज्योमेट्रिकल फीलिंग आती है. तो जनरली यहां मैं फंक्शन भी लिख सकता था पर मैंने मैपिंग लिखा है. मैं ग्रुप में, मैंने आपसे बताया था मैं ग्रुप को ज्योमेट्री के रूप में भी देखते हैं ग्रुप को, तो हमने फंक्शन नाम नहीं यूज करके मैपिंग नाम यूज किया है. तो इन सबके बड़े यूजेज हैं, रैंडम नहीं है कोई चीज. ए मैपिंग एफ फ्रॉम ग्रुप जी टू जी प्राइम इज कॉल्ड, याद रखिए जी और जी प्राइम सेट हैं, नॉन एम्प्टी, इनके बीच में कई तरीके की मैपिंग्स या फंक्शंस डिफाइन किए जा सकते हैं. मैं उनमें से किसी पर्टिकुलर टाइप की मैपिंग या फंक्शन में इंटरेस्टेड हूं. कैसी पर्टिकुलर टाइप की फंक्शन मैपिंग में, जिसको मैं लिख रहा हूं यहां पर, इज कॉल्ड ए होमोमॉर्फिज्म. मैं अभी आता हूं ये वर्ड में, होमो क्यों कहा है, होमोमॉर्फिज्म. अभी आप समझेंगे ये वर्ड क्यों यूज किया है. इफ, कौन सी बात हो जाए, क्या बात हो जाए, इफ एफ, इफ एफ जी वन स्टार जी टू इक्वल टू एफ जी वन ओ लिटिल ओ एफ जी टू. याद करिए, जब मैं फॉर ऑल जी वन जी टू मेंबर ऑफ, याद करो देखो कैसे हो रहा है. ये देखिए यहां पर, घबराइए मत, ये मेरा जी था जिसकी ऑपरेशन स्टार है, ये मेरा ग्रुप जी प्राइम है जिसकी ऑपरेशन लिटिल ओ है. ये देखिए यहां पर मैंने जी वन और जी टू लिए थे. जीवन पर यदि मैं एफ लगाऊंगा तो वो यहां जाएगा, जी टू पर यदि एफ लगाऊंगा तो ये यहां जाएगा, जी प्राइम में चला गया, राइट. मैंने जीवन और जीवन और जी टू को कंबाइन किया है किससे, स्टार से. तो एफ जीवन और एफ जी टू क्योंकि इस ग्रुप में है वो कंबाइन हो गए इससे. तो जरा ध्यान से देखिए क्या हो रहा, हो क्या रहा, देखिए जैसा जीवन और जी टू, जीवन स्टार जी टू पर जब मैंने एफ लगाया तो एफ ने क्या किया, एफ ने ऑपरेशन को प्रिजर्व रखा, यहां जाके कोई बड़ा उत्पटांग सा काम नहीं किया है, इधर उधर नहीं फेंक दिया लोगों को ना. देखिए जरा आराम से, जो हम सोच रहे थे वही हुआ एक प्रकार से, बड़ा और अच्छा हुआ. जीवन स्टार जी टू यहां पर मैपिंग, दो एलिमेंट्स को जोड़ा, दो एलिमेंट्स पर ऑपरेशन लगाई, उस पर एफ लगाया, ये नाइसली बिहेव कर रहा है. मतलब क्या कह रहा है ये होमोमॉर्फिज्म, क्या कह रहा है, जब ये उधर जाएंगे तो एफ जी वन निकाल लो, एफ जी टू निकाल लो और उनका, उनको वहां ऑपरेट कर दो, ऑपरेशन वहां की लगा दो. यहां पर ऑपरेशन जी की लगाई है, वहां पर ऑपरेशन जी प्राइम की लगाई है उनकी इमेज पर. ये इमेज है जी वन और जी टू की. इसका कहने का मतलब मेरा ये है, होमोमॉर्फिज्म वो मैपिंग है जो ऑपरेशन को प्रिजर्व रखती है. होमोमॉर्फिज्म ये मूल मंत्र है, प्रिजर्व दी ऑपरेशंस ऑफ रिस्पेक्टिव ग्रुप्स, मूल मंत्र है भाई, और कुछ नहीं. कोई फंक्शन ऐसा होता है, कोई फंक्शन ऐसे होते हैं कि जीवन स्टार जी टू पे लगा और वहां पता नहीं कुछ और मिल रहा है, यहां हमको पहले से पता है कि वहां क्या मिलेगा. तो
जीवन स्टार यूट्यूब पर लगाया तो मुझे पहले से पता है कि वहां क्या मिलेगा, क्या मिलेगा मतलब एफ जी वन मिलेगा, एफ जी टू मिलेगा, और उसको वहां की ऑपरेशन से क्या कर दीजिए, कंबाइन कर दीजिए। तो ये होमोमॉर्फिज्म जो है बड़ी स्पेशल टाइप का फंक्शन है दो ग्रुप के बीच में, और हम देखेंगे ये फंक्शन बड़ी कमाल की चीजें करता है ग्रुप्स के बीच में, ये ग्रुप की क्लासिफिकेशन में काम आता है। तो मैं अगली बार हम कुछ एग्जांपल से आगे बढ़ेंगे। तो एग्जांपल से आगे बढ़ने का मेरा मतलब क्या है, मेरा मतलब इस प्रॉब्लम से, आप कुछ एग्जांपल से आगे बढ़े तो हम तो कुछ ग्रुप जानते हैं, तो मैं कहना ये चाह रहा हूं आप दो ग्रुप लीजिए, हम इन दोनों ग्रुप को अच्छे से जानते हैं। इसको मैंने कहा था एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, याद आ रहा होगा आपको, ये एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स है। और दूसरा मैंने लिया आर स्टार, आर स्टार याद है हमने आर स्टार को क्या लिखा था, आर स्टार को हमने लिखा था आर माइनस जीरो निकाला था, और मल्टीप्लीकेशन थी ऑपरेशन। इनके बीच में एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करिए, इनके बीच में एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करिए, और मैं आपको हिंट दे रहा हूं जो फंक्शन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो मैं ऐसे ना कह के क्या कहूं इसको, या हिंट ऐसा नहीं है, आप ना आप ढूंढिए इसको, क्या आप ढूंढ सकते हैं एक्सपोनेंशियल या किसी और फंक्शन में, और समथिंग एल्स, ये आपके लिए मैं बड़ा सा क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया, ये मैंने एक आपके लिए बड़ा सा क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया है जानबूझकर। तो थोड़ा सोचने की कोशिश करिएगा कि हम क्या करें।